हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। छोटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। तो चलो प्यारे बच्चों, ठीक है, अब हम इसमें तीसरा लेक्चर करते हैं। मतलब हमने इसमें पार्ट वाइज किया है और आई होप कि आप इसको एंजॉय करोगे। और जितना ज़्यादा, मतलब अगर देखो, जितना मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हूँ, अगर उसको पूरा कर लोगे तो तुम्हें 100% यार क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो ये एक है। अभी जो थोड़े जो पुराने क्वेश्चन थे, जो पुराने डॉक्टर होंगे तुम्हारे, ठीक है, तुम सोचते हो यार 5 से 30 साल पहले कितना आसान क्वेश्चन आता था और अभी कैसा आ रहा है, ठीक है, ये क्या बात हो गई। तो भाई ऐसे ही है, दुनिया ऐसे ही है। तो तुम नए जमाने के ना एडवांस लोग हो, तो तुम्हारे टाइम में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता था, और ये जो बुजुर्ग लोग थे उनके टाइम में थोड़ा सा ऐसे ही आता था, उनका दौर ही ऐसे था। लेकिन अगर उनसे बात करोगे तो कहेंगे वाह, हमारे टाइम में तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता था। अजीब बात है, फॉरवर्ड बायसिंग विड्थ ऑफ द बैरियर पोटेंशियल पीएन जंक्शन। अगर पीएन जंक्शन है, डायोड है और फॉरवर्ड बायस में है, तो ये वाला चीज़, ये फॉरवर्ड बायस में तब होता है प्यारे बच्चों जब ये पी है और एन है, तो इसको जो है हम प्लस टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और इसको हम निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो ये कहता है डिप्लीशन लेयर के बारे में, पोटेंशियल बैरियर ऑफ द पीएन जंक्शन। पोटेंशियल बैरियर, हम सबको पता है कि इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है और इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, और इधर होल ज़्यादा होते हैं, इधर होल ज़्यादा होते हैं और इधर होल कम होते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन, जनसंख्या, पॉपुलेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं और होल इधर जाते हैं। तो यहाँ एक लेयर बन जाता है, यहाँ एक जो इलेक्ट्रॉन इधर आए तो यहाँ एक लेयर, थिन लेयर बन जाता है उस लेयर को इस टाइप से, और यहाँ एक निगेटिव का लेयर बन जाता है। तो इस, अभी बैटरी कनेक्ट नहीं हुई है तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल आ जाता है प्लस माइनस, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, बीबी। तो जब फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो बैरियर पोटेंशियल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो वी ई आई है, इधर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब तुम फॉरवर्ड बायसिंग करोगे तो इसको प्लस से कनेक्ट करोगे और इसको माइनस से कनेक्ट करोगे, तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर आएगी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बायसिंग की वजह से जो पोटेंशियल है, जो अंदर में बायसिंग की जो कंसंट्रेशन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आ गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया तो वी इज इक्वल टू होता है ई डी। तो पोटेंशियल जब भी डिक्रीज हो गया तो नेट पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और डिप्लीशन लेयर भी डिक्रीज हो जाता है। तो तीनों डिक्रीज हो जाते हैं, अगर बढ़ेगा तो तीनों बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से क्या है कि जो है पोटेंशियल बैरियर जो है वो डिक्रीज हो जाता है जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, और ये बहुत कम हो जाता है जब धीरे धीरे टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो जाता है। चलो यहाँ से डिप्लीशन लेयर कंसिस्ट, अगर डिप्लीशन लेयर इसमें से क्या रखता है, डिप्लीशन लेयर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको यही बताता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये यहाँ इंडिया।